हेलो दोस्तों, जायका फूड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं गवार ढोकरी, जो मुझे लगता है कि आपको यूट्यूब पे पहली बार देखने को मिलेगा और टेस्ट से भरपूर है। तो चलिए जानते हैं गवार ढोकरी कैसे बनाते हैं। उसके लिए जो आवश्यकता है, जो रिक्वायर्ड है, वो मैं आपको पहले बता दूँ। तो पहले है लहसुन और हरी मिर्च, रेड चिल्ली, उसके बाद है गरम मसाला, उसके बाद है अजवायन और रेड चिल्ली पाउडर है, हल्दी पाउडर, काजू, लहसुन और हरी मिर्च दोनों मिक्स है, ये धनिया पाउडर, नमक, हरा धनिया और टमाटर, तेल, ऑयल, फिर गुआर, गेहूं का आटा और पानी। ये जो आवश्यकता है, रिक्वायर्ड है, वो आपको पहले तैयार करनी पड़ेगी। फिर गैस चालू करें। फिर आपको ऑयल डालना है, तेल डालना है, जितना ज़रूरत पड़े इतना। इसको फिर उसको थोड़ा गर्म करें। चलो फिर आपको लहसुन डालना है, लहसुन को थोड़ा लाल करना है, फिर अजवाइन डालना है, उसको थोड़ा लाल होने दो लहसुन और अजवाइन को। फिर बाद में लाल मिर्च डालना है, रेड चिल्ली, रेड चिल्ली के बाद आपको क्या करना है, गैस थोड़ा कम करना है। फिर गुआर में धनिया पाउडर, फिर गरम मसाला, ये गरम मसाला है, हल्दी पाउडर अपने हिसाब से डालो, जितना ज़रूरत पड़े इतना। फिर नमक, लाल मिर्च पाउडर, अब उसको तपेले में डालना है और तुरंत ढक्कन लगाना है, क्योंकि उससे तेल उछड़ता है। तो आपको थोड़ा ये तुरंत ये लगा देना है ढक्कन। उसके बाद थोड़ा
थोड़े टाइम के बाद दोनों मिक्स कर दे, गवर और जो नीचे का जो मसाला है पूरा वो दोनों मिक्स कर दे। अभी थोड़ा गैस बढ़ाओ, और गेहूं का जो आटा है उसमें थोड़ा मसाला मिक्स करना है। पहले तो हम तेल डाल देते हैं थोड़ा। फिर नमक, जितना ज़रूरत पड़े इतना नमक डाल दो। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, हरी मिर्च और लहसुन जो दोनों मिक्स है वो गेहूं के आटे में डालना है। लाल मिर्च पाउडर, हरी धनिया और दोनों पानी डाल के थोड़ा मिक्स कर दो। अजवाइन भी थोड़ा डाल दो, जो अजवाइन रह गया था वो भी डाला है। फिर बाद में जो ग्वार है, ग्वार और मसाला दोनों को ध्यान रखना है चिपक ना जाए, दोनों थोड़े टाइम हिलाते रहना है। ऐसा आपको आटा बनाना है। इस सब्जी को भी आपको थोड़े टाइम हिलाना है। फिर आपको जितना ज़रूरत है इतना पानी डाल दो बाद में। जितना आप कम गैस में पकाओगे इतना अच्छा टेस्ट आएगा। हरी धनिया भी डाल सकते हैं ऊपर से। यहाँ पे हम ढोकली बनाते हैं, आप देखते रहे। इतनी साइज बना सकते हैं आप, उससे भी कम साइज बना सकते हैं। ऐसे ढुकड़े आप बना सकते हैं, उससे भी साइज कम बड़ी
बना सकते, जितना कम रहेगा इतना अच्छा रहेगा। फिर हम सब्जी को चेक करते हैं, गुवार वाली सब्जी को। थोड़े टाइम आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि नीचे चिपक ना जाए, वो ध्यान रखना है। फिर उसको एक बॉल में निकालना है। और थोड़ी सब्जी अंदर रखनी है। बॉल में पूरा नहीं निकलना, थोड़ा निकलना है और नॉर्मल जैसी तपेले में रखनी है। ध्यान रखना है जब सब्जी निकल रहा हो गैस बंद कर दो, तभी ये काम करो। फिर ये ढोकड़ी जो है आपको रखनी है अंदर। थोड़ी रखनी है, पूरी ढुकड़ी नहीं रखनी, थोड़ी रख दो, फिर बाद में ऊपर से सब्जी आएगी, बहुत ही लजीज मज़ेदार टेस्ट आएगा। ध्यान रखना है गैस बंद कर देना है उस टाइम। फिर थोड़ी ऊपर सब्जी डालना है आपको, थोड़ी सब्जी जितनी भी ढुकड़ी है उसके ऊपर आप थोड़ा थोड़ी सब्जी डाल दो। फिर वापस ढुकड़ी ऊपर रखना है, थोड़ी सब्जी थोड़ी ढुकड़ी ऐसे आपको रखना है पूरी। और वापस सब्जी थोड़ी ऊपर डाल दो। अभी जो बाकी ढोकड़ी है वो सब डाल देना है, आप अपने हिसाब से डालें। जो ये तरीका है आप ऐसे भी इस्तेमाल करेंगे फिर भी आपको टेस्ट अच्छा मिलेगा। वापस सब्जी डालना है। हरी धनिया आप डाल सकते हैं ऊपर से। काजू भी आप डाल सकते हैं।
ढक्कन लगा देना, फिर थोड़ा गैस चालू करना है। जितना ज़रूरत है आपको उतना पानी डाल दे। जैसे ढुकड़ी जो है वो बॉयल हो जाए इतना आपको पानी डालना है। गैस भी बता रहा हूँ, गैस कितना रखना है वो आपसे। फिर बाद में थोड़े टाइम के बाद में तपेले को पकड़ के हिला देना है, पूरा मिक्स करना है आपको। ढुकड़ी और ग्वार को मिक्स करना है। अब ढक्कन निकाल के हम चेक करेंगे कितना मिक्स हुआ है। आप ऐसे भी मिक्स कर सकते हैं। अब उसको अच्छे से पकाना है। थोड़े टाइम चेक करता रहना है। हरा धनिया ऊपर से पकने के बाद डाल सकते हैं आप। अगर आपकी ढुकड़ी पकी नहीं है तो आप पानी डाल के उसको पका सकते हैं, लेकिन जितना गैस कम रहेगा उतना टेस्ट अच्छा रहेगा। अभी तो फिलहाल सब्जी रेडी हो गई है। अब हम उसको बॉल में निकालेंगे। अगर आपके घर में मेहमान आए तो कैसे सजावट करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर जो टमाटर है उसको कोने में रखना है, कोने में सब जगह। ये सब डेकोरेट के लिए है, फिर भी आप सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। गवार टुकड़ी के साथ भी टमाटर खा सकते हैं। ये गवार टुकड़ी आप ऐसे ही खाओगे तो भी अच्छा रहेगा। अगर आपको रोटी के साथ खाना तो भी खा सकते हैं। ज़्यादातर तो ऐसे ही लोग खाते हैं, और चावल के भी साथ भी अच्छा डिश रहता है उसका। कोने में टमाटर आ गया है, अब काजू लगाते हैं। ये सब डेकोरेट के लिए है। फिर बाद में हरी मिर्च आप लगा सकते हैं एक्स्ट्रा, और डेकोरेट खूबसूरत बनाने के लिए। हरी धनिया भी आप ऊपर से डाल सकते हैं। तो आप ऐसे बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।